वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम इस वीडियो में पिथबॉल इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में देखेंगे और हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है एंड उससे हम चार्ज को कैसे डिटेक्ट और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप का डेफिनेशन इस तरह से है, इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस that is used for detecting and identifying the nature of charge. तो अभी यहाँ पर दो चीज़ कर सकते हैं, क्या है, पहले डिटेक्ट करना है एक बॉडी में चार्ज है कि नहीं, देर इज द बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। ठीक है, तो वो होता है डिटेक्शन, मैंने चार्ज है कि नहीं पहले पता करना है, तो वो इलेक्ट्रोस्कोप से कर सकते हैं। एंड वंस इट इज़ डिटेक्टेड दैट बॉडी इज चार्ज्ड, then you have to know the nature of charge, that means what is the charge, nature of charge on that body, whether it is positively charged or negatively charged. तो पॉजिटिव है या नेगेटिव चार्ज है, कौन सा है उसको पता करना है, उसको बोलते हैं आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ चार्ज। तो पहले पता करना है कि चार्ज है कि नहीं, और जब एक बार पता चल जाता है चार्ज बॉडी है, फिर उसके बाद हम उसको पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्कोप का काम यही है। तो इलेक्ट्रोस्कोप कैन नॉट मेजर द अमाउंट ऑफ चार्ज, बट इट कैन ओनली डिटेक्ट वेदर अ बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट, एंड इफ इट इज चार्ज्ड देन व्हाट इज द नेचर ऑफ द चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, ओनली फॉर दैट पर्पस वी कैन यूज द इलेक्ट्रोस्कोप। अभी हम इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में समझ में आ गया। अभी इलेक्ट्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं, एक होता है पिथबॉल इलेक्ट्रोस्कोप, दूसरा होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इस वीडियो में हम पिथबॉल इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। अभी इलेक्ट्रोस्कोप आपको समझ में आ गया। अभी पिथबॉल, अभी ये पिथ क्या होता है, है ना, पिथ होता है जो प्लांट के जो स्टेम में उसके अंदर में जो जो वाइट मटेरियल रहता है, ठीक है, जैसे थर्मोकोल जैसा, तो उसको बोलते हैं पिथ। ठीक है, तो उसका एक हम स्फेरिकल बॉल लेंगे और उसको सस्पेंड करेंगे। ठीक है, तो उसको हम सस्पेंड करेंगे सिल्क थ्रेड से और या प्लास्टिक थ्रेड से, तो ये पिथ बॉल हो गया, यानी कि पिथ यानी कि जो स्टेम के अंदर, प्लांट के स्टेम के अंदर जो वाइट सब्सटेंस होता है थर्मोकोल जैसा, उससे हम बना सकते हैं। तो ये वही होता है पिथ, तो उसका हम बॉल ले लेंगे और उसको सस्पेंड करेंगे विद द सिल्क और प्लास्टिक थ्रेड एंड फ्रॉम द इंसुलेटेड स्टैंड। ठीक है, अभी यहाँ से जो भी चार्ज होगा ये लीक नहीं होगा, इसलिए ये सिल्क थ्रेड और इंसुलेटेड स्टैंड लेते हैं। ओके, तो ये हो गया पिथबॉल के बारे में। अभी पिथबॉल का यदि आपको डेफिनेशन आपको समझना है तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पिथबॉल जो होता है आपको समझ में आ गया। तो पिथबॉल इलेक्ट्रोस्कोप जो है इट कंसिस्ट ऑफ अ पिथबॉल सस्पेंडेड विद अ सिल्क थ्रेड from an insulating stand. तो ये definition भी मैंने बताया और इसको diagram से भी मैंने समझाया, तो आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोस्कोप समझ में आया, उसके बाद आपको पिथबॉल इलेक्ट्रोस्कोप भी समझ में आ गया। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं डिटेक्शन में। ठीक है, अभी डिटेक्शन का मतलब क्या है, मैंने पहले बता दिया कि we want to नो वेदर अ गिवन बॉडी इज चार्ज्ड और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अनचार्ज्ड पिथबॉल इलेक्ट्रोस्कोप लेना है। अनचार्ज्ड पिथबॉल इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। अभी दूसरा पॉइंट है,
इसके बाद आप जो इंडक्शन से आप आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तभी क्या करना है, ब्रिंग द बॉडी टू बी टेस्टेड नियर द इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप के पास में लेके आना है, ठीक है। तो कौन सा मेथड हम लोग फॉलो कर रहे हैं, इंडक्शन मेथड फॉलो करेंगे, इंडक्शन। ओके, अभी जब हम इस बॉडी को उसके पास लेके आएंगे, ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो मैं पहले से एज्यूम करके आपको बता देता हूँ, फिर हम समझेंगे कि उसका प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। अभी मान लीजिए ये पिथ बॉल है, ठीक है, मैं सिर्फ ये आई एम मेकिंग ओनली दिस पार्ट, ओके दिस पार्ट। अभी एक रॉड लेके आए आप, यू डोंट नो व्हाट इज वेदर देर इज चार्ज और नॉट, ठीक है। अब मान लीजिए एज्यूम कर लेते हैं हम, है ना, मान लीजिए इसमें कोई चार्ज नहीं है और ये भी चार्ज नहीं है, तो ये भी चार्ज नहीं है, ये भी चार्ज नहीं है, तो क्या होगा, पिथ बॉल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, पिथ बॉल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये बॉडी भी अनचार्ज्ड है और ये भी अनचार्ज्ड है, ये तो हमको मालूम है ये अनचार्ज्ड है ना। मान लीजिए इसमें ये अनचार्ज्ड है तो क्या होगा, कोई इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माने ये पेंडुलम की तरह ये मूवमेंट करेगा, है ना, ऑसिलेट करेगा, तो इसलिए इफेक्टेड होगा, रिपेल्ड होगा या अट्रैक्ट होगा, तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। अभी ये बिकॉज बोथ हैव नो चार्जेस, दैट मीन्स द दिस बॉडी इज अनचार्ज्ड, है ना। तो अभी हम लेके आते हैं, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, अभी ऑब्जर्वेशन आपको देखना है, है ना। पहला ऑब्जर्वेशन है दी पिथ बॉल रिमेन्स स्टेशनरी, पिथ बॉल में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो दैट मीन्स ये जो बॉडी है मान लीजिए ए है, सो ए इज अनचार्ज। अभी मैंने तो ये एज्यूम कर लिया था कि ये भी अनचार्ज्ड है तो कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो अभी आपको समझ में आ गया ना, अनचार्ज्ड होने से क्यों मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि कोई रिपल्सन अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि बोथ आर अनचार्ज्ड। तो अभी लेकिन हमको क्या करना है, ओनली पिथ बॉल को देखना है, विल ब्रिंग दिस नियर द पिथ बॉल एंड विल ऑब्जर्व द पिथ बॉल, इट्स नॉट affected, it remains stationary, है ना। तो इसका मतलब है this is not affected by this body, that means this is uncharged, so A is uncharged। तो अभी हमको मालूम चल गया ये uncharged है, है ना। तो अभी दोबारा हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर हम body को लेके आए, अब ये देख रहे हैं कि ये movement कर रहा है ना, attract करेगा, ठीक है, attract करेगा, क्योंकि इंडक्शन में क्या होता है, इंडक्शन में जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, इंडक्शन से यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इन द नियर एंड नेगेटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड, तो देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ प्लस होगा, ये रिपेल करेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज इज नियर दिस पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली आफ्टर इंडक्शन अट्रैक्शन होगा। तो उसी तरह अभी मान लीजिए ये चार्ज्ड बॉडी है ना, तो इसमें भी इंड्यूस होगा चार्ज, तो इंडक्शन से फिर ये अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम देखेंगे कि पिथ बॉल इज अट्रैक्टेड, अभी ऑब्जर्वेशन से शुरू करना, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है कौन सा चार्ज है नहीं, तो हमको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है, स्टेशनरी था तो कोई चार्ज नहीं है, अभी ये अट्रैक्ट हो रहा है,
if the pith ball is attracted or it shows some movement, ऐसे बोल सकते हैं. तो ए ए हैज सम चार्ज. तो ये समझ में आ गया ऑब्जर्वेशन से हम कंक्लूजन में आ गए. ये ऑब्जर्वेशन है कंक्लूजन. तो अभी यदि ये पॉजिटिव रहता है तभी भी नेगेटिव होके अट्रैक्ट होगा, और नेगेटिव होने से यहाँ पॉजिटिव होगा फिर ये अट्रैक्ट करेगा. इसका मतलब देखिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ऑब्जर्वेशन एक ही रहेगा. व्हाट इज दैट? अट्रैक्शन, है ना. तो इसलिए एट दिस मोमेंट विल नॉट बी एबल टू से व्हिच चार्ज और पॉजिटिव और नेगेटिव. बट इफ देर इज अट्रैक्शन, इफ देर इज मूवमेंट इन द पिथ बॉल, देन वी कैन से दैट दिस बॉडी हैज सम चार्ज. सो दिस बॉडी इज चार्ज्ड बॉडी. ठीक है. तो देखिए हमारे पास अभी क्या हो गया, डिटेक्शन हो गया चार्ज है कि नहीं. तो क्या लेना है हमें? अनचार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप लेना है और एक बॉडी को उसके पास में लेके आना है. तो इंडक्शन मेथड से हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो यहाँ तक समझ में आ गया. अभी दूसरा पार्ट में हम जाएंगे, अभी आइडेंटिफाइंग. अभी सेकेंड केस जब हो गया कि इसमें चार्ज है, तो अभी हम पता करेंगे कि चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अभी हम आइडेंटिफिकेशन में आते हैं, है ना. इफ़ ए हैज़ सम चार्ज द बॉडी ए, देन विल ट्राई टू आइडेंटिफाई, मीन्स वेदर इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है ना. तो उसके लिए क्या करना है, हमें चार्ज्ड पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप लेना है. तो इसका मतलब हमें पिथ बॉल को चार्ज्ड करना पड़ेगा. अभी चार्जिंग कैसे कर सकते हैं? आसानी से हम कंडक्शन से कर सकते हैं, है ना. तो या इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं या फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं. तो हम ले लेंगे पॉजिटिवली चार्ज्ड पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है. तो मैंने यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज लिया, आप चाहे तो नेगेटिव भी ले सकते हैं. तो पहले से आपको मालूम होना है कि पिथ बॉल में कौन सा चार्ज है. ठीक है. तो आप नेगेटिव भी लेके कर सकते हैं, बट यू शुड नो व्हाट इज द चार्ज ऑन द, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द पिथ बॉल, ये आपको पता होना. ठीक है. ओके. अभी सेकंड में क्या करेंगे, वी विल ब्रिंग द चार्ज्ड बॉडी. अभी जैसे आपने डिटेक्ट किया ऊपर चार्ज्ड है, है ना. उस चार्ज्ड बॉडी को आपको मालूम है कि ये चार्ज्ड है, बस इतना पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा चार्ज्ड बॉडी. वो जो टेस्ट करना है अभी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसको सामने लेके आना है. ब्रिंग द चार्ज्ड बॉडी नियर द बॉल. ठीक है. तो अभी आपके पास पिथ बॉल, तो मैं सिर्फ बॉल बना देता हूँ. ठीक है. तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है. फिर आपको रॉड लेके आना है और ये चार्ज्ड है, मालूम नहीं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. ठीक है. तो चलिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो समझने के लिए आसान होगा. ठीक है. हालांकि हम लोग ऑब्जर्वेशन देख के पता करेंगे, लेकिन यहाँ हम इनडायरेक्टली देख लेते हैं कि पॉजिटिव होने से क्या होना चाहिए, तब ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए आसान हो जाएगा, है ना. तो चलिए इसको पॉजिटिव ले लेते हैं. ये पॉजिटिवली चार्ज रॉड है. तो कितना आसान है ना अभी, है ना. यदि पॉजिटिवली चार्ज रॉड है तो क्या हो जाएगा, ये रिपेल हो जाएगा, क्योंकि पिथ बॉल इज ऑलरेडी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है, तो रिपेल हो जाएगा, है ना. तो यदि रिपेल होता है तो हम समझ सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन क्या कर लेंगे हम, तो ऑब्जर्वेशन करेंगे द बॉल इज रिपेल्ड
ऑब्जर्वेशन है, जब हम इस बॉडी को लेके आ रहे हैं ये इंडक्शन मेथड से, है ना, ये इंडक्शन से ही करेंगे हम लोग, ईजी होगा, यानी कि टच नहीं करना, इंडक्शन में टच नहीं करना। तो इफ़ दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी इज़ रिपेल्ड, अब सोच लीजिए, अभी हमको मालूम नहीं है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना, तो हमको सिर्फ ये देख रहे हैं कि जो पिथ बॉल है वो इस बॉडी से रिपेल्ड हो गया, दूर चला गया अभी, एंड वी नो द नेचर ऑफ चार्ज हियर, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये रिपेल हो गया। पॉजिटिव चार्ज को कौन रिपेल करता है? पॉजिटिव ही रिपेल करता है ना, नेगेटिव विल अट्रैक्ट, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ रिपल्शन करता है। तो दैट मीन्स इफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पिथ बॉल इज रिपेल्ड बाय दिस रॉड, दैट मीन्स दिस रॉड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, सो ए हैज पॉजिटिव चार्ज। देखिए हमको समझ में आ गया, लेकिन ये रिपेल्ड हुआ एंड ये हमको मालूम है पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तभी हम पॉजिटिव बोल पाएंगे, ठीक है ना। अभी ये नेगेटिवली चार्ज रॉड लेंगे और पॉजिटिव को लेके आएंगे तो अट्रैक्शन होगा, है ना, तो ऑब्जर्वेशन दूसरा हो जाएगा। इसलिए यू शुड नो व्हाट इज द चार्ज ऑन द पिथ बॉल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अभी दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है? ऑब्जर्वेशन वन तो हो गया, अभी ऑब्जर्वेशन टू में द बॉल इज अट्रैक्टेड, पिथ बॉल इज अट्रैक्टेड, अभी ये अट्रैक्ट हो रहा है और हमें मालूम है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्टेड बाय दिस रॉड, दैट मीन्स क्या होगा, ये भी चार्ज्ड बॉडी है, ये भी चार्ज्ड है और दोनों अट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड वी नो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, तो इफ दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड वी नो देन दिस मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज्ड, सो ए हैज नेगेटिव चार्ज और ए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। देखिए तो हमारे पास क्लियर समझ में आ गया कि इस रॉड में पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये मैंने समझाया पॉजिटिवली चार्ज रॉड के लिए, पिथ बॉल के लिए। आप चाहे तो नेगेटिवली चार्ज लेके भी ऑब्जर्वेशन, यदि नेगेटिव लिया जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं, नेगेटिव लिया और रिपेल हो गया तो ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ही चार्ज है ना, तो रिपल्सन होगा तो नेगेटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव होते हुए अट्रैक्ट हो गया तो ये पॉजिटिव है, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट, बस इतना ही याद रखना, दो ही चार्ज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये हम समझ सकते हैं इस तरह से। तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, हाउ टू डिटेक्ट द चार्जेस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द चार्ज, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।